तो इतना रिवीजन अगर आप पर डे कर रहे हैं और आप हमारे साथ वोकल सीरीज में पर डे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और न्यूमेरिकल आप ये कर ले रहे हैं, तो मेरे मित्र यकीन मानो कि आपका जो ये यहाँ पे स्कोर है ये सर सीधे इंक्रीज होकर के इसमें 15% जुटेगा और ये हो जाएगा 90%। कितना हो जाएगा सर? 90%। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मेरे मित्र आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप डी साइंस में 25 में से 25 अब नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये अब नहीं हो पाएगा वाला कंसेप्ट आप सबों का है, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्र थक चुके हैं, हार चुके हैं और ये मान लिए हैं कि अब हम ग्रुप डी साइंस में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे मित्रों का लगातार कॉल आते रहता है, व्हाट्सएप आते रहता है कि गुरुजी हमारा तो फिजिक्स सही है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम लोग जा करके अटक जा रहे हैं। किन्हीं का आता है कॉल कि गुरुजी हमारा तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी सही है लेकिन फिजिक्स हमको अटका ले रहा है। कोई कह रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा है लेकिन बायोलॉजी में जा करके फंस जा रहे हैं, तो साइंस में हम लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो ऑल इन ऑल स्कोर है वो नहीं इंक्रीज हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब हम लोगों को ये डर सताने लगा है कि साइंस अब हमसे ना हो पाएगा। मेरे मित्र आप सबों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी योद्धा हैं और आप सभी ग्रुप डी एग्ज़ाम में साइंस में 25 में से 25 आराम से ला सकते हो। इवन आप 25 में से 25 ना ला पाओ तो 20 से 21 नंबर तो आप ज़रूर ला सकते हो। आप कहोगे कैसे ला सकते हैं भाई मेरे, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा। ज़रा सा आप हमको बताओ कि किसी भी एग्ज़ाम में, मैं ग्रुप डी एग्ज़ाम की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कैसे किया जा सकता है? आप कहेंगे कि गुरु जी जिस एग्ज़ाम को हम देने जाएंगे उस एग्ज़ाम का जो भी सब्जेक्ट होगा उस पर हमारा पकड़ होना चाहिए और साथ ही साथ उस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उस पर हमारा कमांड होना चाहिए, हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम। भाई मेरे इसी चीज़ को तो यहाँ पे भी आपको करना है, आप यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? आप कहेंगे गुरुजी हमारे मन में चल तो रहा है लेकिन आइडिया ही नहीं लग रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है क्योंकि हमारे ग्रुप डी के पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से थ्योरी भी कराया पूछा जाएगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे। तो अब यहाँ पे तो हमको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करना पड़ेगा और हमको ये आइडिया ही नहीं लग रहा है कि हम पढ़े कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करें। तो मेरे मित्र मैं अगर आपसे अभी कहना चाहूँ कि अभी आपको पूरा साइंस कंप्लीट करना है तो आप कर पाएंगे? संभव ही नहीं है सर, आप या कोई और भी नहीं कर सकता है। आप कहेंगे फिर अच्छा स्कोर कैसे आएगा? मेरे मित्र अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको एक सटीक रणनीति अपनाना होगा और आपको यहाँ पे सेलेक्टेड चैप्टर्स का रिवीजन करना होगा। सेलेक्टेड चैप्टर्स में जो आपको डाउट है उस डाउट को कंप्लीट करना होगा क्योंकि आपके ग्रुप डी एग्जाम में साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कुछ चैप्टर आपके ऐसे होंगे जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुछ चैप्टर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ से आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि जिस चैप्टर से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस चैप्टर को रिवाइज करने की, उस चैप्टर को कंप्लीट करने की। और इस तरह के आपको तीनों ही सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करना होगा। और मेरे मित्र अगर आप मेरी माने तो बचे हुए समय में आप ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस का जो मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा अगर आप उस तरीका को फॉलो करते हैं तो ग्रुप डी एग्जाम में आप साइंस में बेस्ट स्कोर कर सकते। पहला चीज़ आपको क्या करना होगा? पहला चीज़ आपको थ्योरी के लिए कुछ सेलेक्टेड चैप्टर का रिवीजन करना होगा, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर का क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये सेलेक्टेड चैप्टर कौन कौन सा होगा? तो मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें पहले फिजिक्स की, पहले अगर हम लोग बात करें किसकी, फिजिक्स की, तो आपको सबसे पहले फिजिक्स में मैकेनिक्स के पोर्शन का रिवीजन करना चाहिए। मैकेनिक्स बोले तो यांत्रिकी के जो पोर्शन है उसको आपको रिवाइज करना चाहिए, जहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने को मिलेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने को मिलेंगे, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और साथ ही साथ वर्क एनर्जी एंड पावर। और ध्यान में रखिएगा ये सभी चैप्टर ऐसे हैं जिससे आपके ग्रुप डी एग्जाम में लगभग 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप मैकेनिक्स का रिविजन कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि गुरुजी मैकेनिक्स का रिवीजन करने के लिए हम लोग कंटेंट कहाँ से ढूंढेंगे? तो भाई मेरे आप सभी बहुत दिन से पढ़ रहे हो और हर एक स्टूडेंट के पास कोई ना कोई साइंस बुक अवेलेबल होता है, तो आपके पास जो भी साइंस बुक अवेलेबल है
जो भी साइंस बुक अवेलेबल है उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और साथ ही ध्यान रखिए, मैकेनिक्स के बाद आपको क्या करना है, मैकेनिक्स के बाद जो है आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करना है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आपका बड़ा पोर्शन है, क्योंकि इसमें आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ने होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ने होते हैं, और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ने होते हैं। तो ये तीनों ही पोर्शन को आपको रिवाइज करना होगा। कैसे करेंगे, तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लूसेंट का साइंस अवेलेबल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, दृष्टि साइंस बुक अवेलेबल है आप उससे भी कर सकते हैं, या आपके पास जो भी बुक है आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र यहाँ पे कहेंगे एनसीईआरटी टच तो ना हो पाएगा। मेरे मित्र, मार्केट में जितने भी साइंस बुक अवेलेबल हैं उन सारे का कंटेंट एनसीईआरटी से लिया गया है, और आप जितने भी बुक देखते हैं जो मार्केट में आपका अलग अलग पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया जाता है, उन्होंने अपने घर में कंटेंट नहीं बनाया, ये सभी कहाँ से उठा रहे हैं कंटेंट, एनसीईआरटी से उठा रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने बुक में जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पढ़ते हैं, तो किसी और पब्लिकेशन के बुक में ये वैल्यू बदल नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है कि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो हम वो नहीं पढ़े। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लगभग मार्केट में जितने भी साइंस बुक अवेलेबल हैं सभी का कंटेंट कहाँ से लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है। बस फर्क क्या है, तो लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उससे बेहिचक बिना डरे रिवीजन कीजिए। तो मैकेनिक्स पहले करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, इसके बाद हमको क्या रिवाइज करना होगा, तो इसके बाद जो है आपको ऑप्टिक्स का रिवीजन करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, ऑप्टिक्स के बाद आपको किसका रिवीजन करना है, तो ऑप्टिक्स के बाद आपको साउंड का रिवीजन करना है। मेरे मित्र, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो आपके पास बचा हुआ समय है उसमें आप कम से कम मैकेनिक्स कंप्लीट कर लो, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लो, ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लो और साउंड कंप्लीट कर लो। और ध्यान रखना कि अब इसके बाद जो भी चैप्टर हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, और उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब इन सभी चैप्टर में क्या होगा, तो आपको न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा तो आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसी तरह हम लोग बात करें किसकी, केमिस्ट्री की, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि केमिस्ट्री में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। इसको रिवाइज करना चेला बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो परमाणु संरचना को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है और इसका रिविजन आप लोग जरूर करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जो आपको सबसे रेलेवेंट चैप्टर रिवाइज करना है वो है आपका सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में मास परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको वहां पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो नया नहीं लगेगा, ऐसे क्या होगा नया लगेगा, तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन के बाद सीधे आप केमिकल रिएक्शन चैप्टर को रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी आप में से बहुत सारे मित्रों को फंसाता है कि रिएक्शन कैसे होती है, कौन सा रिएक्शन किस प्रकार का है, सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद आप सीधे कहाँ पे आएंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट पे आएंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट को इसलिए भी रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट दोनों चैप्टर आपका क्रमशः है, तो इसको जब पढ़ेंगे और इसको आकर के फिर पढ़ेंगे तो आपका दोनों का जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो पूरी तरह से आप कह सकते हो वेल तरीके से होगा, आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आप मेटल एंड नॉन मेटल उठाएंगे, मेटल एंड नॉन मेटल उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि केमिस्ट्री के पोर्शन आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, इसलिए बड़ा लगेगा क्योंकि आपने बचपन से केमिस्ट्री के साथ हैबिचुअल नहीं हुए, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो सर थोड़ा सा फ्रेंडली भी होना होगा और थोड़ा इसमें आपको जो कंटेंट है उस पर फोकस भी करना। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बाद आपका यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो आपका होगा पीटी, यानी कि पीरियोडिक टेबल। आप कहेंगे सर ये तो पूरा केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस ही हो गया। भाई मेरे ये सिलेबस नहीं है, टोटल 8 चैप्टर हैं जिसको आप 8 से 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बस आपको रिवाइज करना है।
एक बार सारे चैप्टर्स में जो भी टॉपिक हैं उसको पढ़ते चले जाना है, क्या कह रहा है इसको थिंक करना है और उससे संबंधित क्वेश्चन बनाना है, बस यही तो करना है, याद नहीं करना है सर। आपके पास जो भी बुक है बस उसको आप एक बार रीडिंग लगा लीजिए और फिर जब प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का या उस टॉपिक का कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते चला जाएगा। आप कहेंगे चलो सर रिविजन भी हम कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही कर पाएंगे, बायोलॉजी में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं? तो आइए बायोलॉजी की भी बात करते हैं। मेरे मित्र अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे मित्रों को बायो में भी एक अच्छा खासा परेशानी रहता है और बहुत सारे बायो के टर्म ऐसे होते हैं जिससे आप क्या होते हैं तो पहला ही दिन रूबरू होते हैं। आप कहेंगे सर ये सब टर्म हमको मिलेगा कहाँ पे? तो मेरे मित्र अगर आप बायो का रिविजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना चाहिए, तो पहले आपको टिशू पे फोकस करना चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में सेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए लेकिन टिशू से क्वेश्चन पूछे गए, तो टिशू का रिवीजन करेंगे। दूसरा आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? दूसरा टॉपिक हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा कि बायोडाइवर्सिटी में आपको क्या पढ़ना है, प्लांट किंगडम पढ़ना है और साथ ही एनिमल किंगडम पढ़ना है। और बहुत सारे मित्र थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, नेमाटोडा, ऑर्थ्रोपोडा, एस्केहेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, पीसेज, रेप्टाइल्स, मेमेलिया, इन सब में फंस जाते हैं और इन सभी का जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा अटपटा होता है। तो अगर आप पहले से बायोडाइवर्सिटी का रिवीजन कर लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जो ये सब टर्म मिलेगा वो आपके लिए नया नहीं रहेगा और आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में बायोडाइवर्सिटी से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही इसके बाद जो है आपको सीधे ह्यूमन बायोलॉजी पे आ जाना है। आप कहेंगे कि गुरुजी क्या हम लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन जरा सा आप हमको ये बताओ प्लांट जो होते हैं उसका जड़ क्या होता है, स्टेम क्या होता है, ये आपको ना मालूम है? आप कहेंगे सर ये तो मालूम है, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है? प्लांट के रूट के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में, स्टेम के बारे में। तो भाई मेरे ये सब चीज़ तो बेसिक हैं, इसको तो आप जान रहे हो। आपको कि फिजियोलॉजी में तो सर बहुत सारा अलग अलग कंटेंट रहता है, भाई मेरे अलग अलग कंटेंट नहीं रहता है। जो आप टिश्यू सिस्टम प्लांट के लिए पढ़ते हो उसी का एक आप कह सकते हो एक्सप्लेन रूप होता है, फॉर्म होता है आपके। क्या ट्रांसपोर्टेशन परिवहन आपको समझ में नहीं आती है? आप कहेंगे बिल्कुल आती है सर, यहाँ पर हम लोग जाइलम और फ्लोएम का यूज़ करते हैं। प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं आपको नहीं मालूम है? आप कहेंगे सर 1000 लेक्चर देखे हैं हम लोगों ने इसका। प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है आपको ना मालूम है? आप कहेंगे गुरुजी बचपन से तो यही पढ़ रहे हैं। प्लांट में ट्रांसपिरेशन वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है ये चीज़ आपको ना मालूम है? आप कहेंगे सर ये भी मालूम है। इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पे आप प्लांट मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप नहीं करेंगे, लेकिन रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक आप लगातार पढ़ते रहते हो। और ध्यान दीजिएगा कि जब आप ह्यूमन बायोलॉजी में आएंगे तो ह्यूमन बायोलॉजी के जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन सभी का आप लोग रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट आप रिप्रोडक्शन करेंगे जो कि आपका चौथा टॉपिक होगा बायोलॉजी का। रिप्रोडक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ टर्म आपको ऐसे यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन किए हुए रहेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल है कि क्या गुरुजी जेनेटिक्स का हमको रिवीजन करना होगा? जेनेटिक्स तो हार्ड चैप्टर है, हमको समझ में ही नहीं आता है। भाई वाह, जेनेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार सरसरी निगाह से आप देख भी लेंगे तो आपके लिए वो इनफ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जेनेटिक्स के फादर कौन थे? अब मेंडल ने जो जेनेटिक्स के लिए लॉ दिया था वो लॉ कितने थे? सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि लॉ कितने थे। अब लॉ क्या है उसका एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप नीट का तैयारी नहीं कर रहे हो। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जेनेटिक्स का आप उसको रिवाइज कर लेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं जेनेटिक्स का आप उसको रिवाइज कर लेंगे। और बायोलॉजी में बेसिकली रिवीजन के लिए अभी जो आपके पास बचा हुआ समय में इससे ज़्यादा रिवाइज नहीं करना है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इतने पोर्शन को कंप्लीट कर पाते हैं आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे, तो मेरे ख्याल से आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो थ्योरी पोर्शन से क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से आप 65% क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे।
65% क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, जितना टॉपिक मैंने आपको बताया है। बस इस पे क्या होना चाहिए, आपका एक तगड़ा वाला रिवीजन होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन मिले आप उसको फोड़ दो। अब सवाल ये है कि गुरुजी न्यूमेरिकल तो हमको फंसा लेगा। मेरे मित्र, न्यूमेरिकल आपको नहीं फंसाएगा अगर आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, और अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ। मेरे मित्र, आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फॉर्मूला बेस होता है। कैसा होता है? फॉर्मूला बेस होता है। और ग्रुप डी एग्जाम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला का क्वेश्चन पे इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है ये मालूम होना चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे होगा, तो मेरे मित्र आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल, जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट में साइंस न्यूमेरिकल करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और साइंस न्यूमेरिकल में आपको लगभग 30 से 31 वीडियोज होंगे, या हो सकता है कि आपका 29 से 30 वीडियो हो, या तो 29 या 30 या 31, याद नहीं है, आप देख लेंगे। इतना आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे जो कि आपका क्या होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या होगा, टॉपिक वाइज होगा। मैंने सारा फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये बताया है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है। और अगर आप ये 30 लेक्चर भी कर लेते हैं ना, और ये इतना रिविजन कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे 10% और इंक्रीज कर दीजिए, साइंस में आपका स्कोर हो जाएगा 75%। साइंस में स्कोर कितना हो जाएगा, 75%। आप कहेंगे चलो सर ये हम कर लेंगे बचे हुए समय में, लेकिन आपने तो बोला कि किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए प्रीवियस पेपर पे पकड़ होना भी जरूरी है। तो मेरे मित्र, मैं कहां कह रहा हूं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन तो आपको डेली बेसिस पे करना होगा, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप कहेंगे कि गुरु जी ये प्रीवियस क्वेश्चन हमको कहां मिलेगा, हम लोग तो अपने से कर नहीं पा रहे हैं। मेरे मित्र, आप ही के सुविधा के लिए भौकाल सीरीज जो है फिर से अपडेट होकर के, भौकाल सीरीज जो है आपका फिर से अपडेट होकर के कल से, यानी कि वेडनेसडे से अपने टाइम पे शुरू हो रहा है, जिसमें हम आपको क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको आपके ग्रुप डी 2018 में जो शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरा करवा रहा हूँ इस सीरीज के अंतर्गत। और अभी तक मैंने 30 से 35 शिफ्ट के आसपास क्वेश्चन करवा दिया है, और आगे भी आपका ये चलते रहेगा आपके एग्जाम डेट तक। और यहां पे क्या होगा, तो आपको प्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थोड़ा भी इधर उधर का क्वेश्चन आपको देखने को लेने मिलेगा। और साथ ही जो क्वेश्चन मिलेंगे एक सेट का, वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा कि उस टाइप से और उसी हिसाब से उसी लेवल का क्वेश्चन आपके पिछले ग्रुप डी 2018 एग्जाम में पूछे गए। तो इतना रिविजन अगर आप पर डे कर रहे हैं, और आप हमारे साथ भौकाल सीरीज में पर डे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल आप ये कर ले रहे हैं, तो मेरे मित्र यकीन मानो कि आपका जो ये यहाँ पे स्कोर है ये सर सीधे इंक्रीज होकर के इसमें 15% जुटेगा, और ये हो जाएगा 90%। कितना हो जाएगा सर, 90%। और मेरे मित्र 25 का 90% कितना होगा ये आप निकाल लो, क्या इतना मार्क्स आपको ग्रुप डी में एक अच्छा स्कोर देने के लिए काफ़ी नहीं है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। लेकिन हाँ, साइंस में 90% स्कोर करने के लिए आपको ये सारा चीज़ में अपने आप को घिसना पड़ेगा। पहले तो आपको रिवीजन करना होगा, फिर ये न्यूमेरिकल अगर आपका कमज़ोर है तो ये आपको न्यूमेरिकल के लेक्चर करने होंगे, और आपको हमारे साथ भौकाल सीरीज में पर डे वेडनेसडे से जुड़ना होगा, ताकि आप सारे चीज़ों को एक साथ पकड़ पाएंगे। और मेरे मित्र यकीन मानिएगा कि अगर आप यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं और कोई टॉपिक आपको फंस रहा है, तो वो टॉपिक में आपको किसी और की सहायता लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप डेली भौकाल सीरीज वाले लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपका वो टॉपिक कोई ना कोई क्वेश्चन में ऐसा होगा जो मैं उसको क्लियर करवा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से ये इतना सा चीज़ आपको साइंस में 90% लाने के लिए इनफ है। इसलिए आपके मन में जो डाउट चल रहा है कि ग्रुप डी साइंस में अब 25 में से 25 ना हो पाएगा, तो भाई मेरे आप इस डाउट को अपने मन से बाहर निकाल दीजिए, और एक बार आंख बंद करके कम से कम आपके पास जो बचा हुआ समय है उसमें से 2.5 घंटा पर डे आप साइंस के लिए निकालिए, और बस इतना ही आपके लिए इनफ हो जाएगा, आप इस चीज़ का गांठ बांध लीजिएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आज के इस स्ट्रेटजी को आप बखूबी समझ पाए होंगे, और अब आपके मन में साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और यकीन मानिए अगर आप इस तरह से मेहनत करते हैं
तो आपको साइंस में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके वैसे दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुँच पाए जिनको अभी भी साइंस से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।